सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस है, ऊपर हमारे एसी के सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस है और नीचे हमारे डीसी के सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस है। ये हमारा एसी इनपुट का कंबाइनर बॉक्स है, इसमें 16 MB केबल यूज किया हमने, रेडियल ब्लू ब्लैक। और ये हमारा इन्वर्टर नंबर 4 का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसमें इनपुट आउटपुट पे शनाइडर का ब्रेकर यूज़ किया है। इनपुट पे हमने 40 एम्पीयर का ब्रेकर यूज़ किया है और आउटपुट पर हमने 32 एम्पीयर का ब्रेकर यूज़ किया है। और ये हमारी बैटरी बैंक की बस बार है कमेंट, इसमें हमने 3 अर्थ लगाए, इस साइड पर हमने 3 अर्थिंग की है, 1 अर्थिंग की हमने डीसी की और 1 अर्थिंग की हमने एसी की, एसी की और डीसी हमने अर्थिंग की है लाइटिंग हीटर के लिए, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स संबल अहमद हियर अगेन। वेल गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी कमीशनिंग आज कंप्लीट हो गई है। ये हमने लगाया था 40 किलोवाट्स इन्वर्टर्स के साथ, 48 किलोवाट्स के हमने सोलर पैनल्स इसमें लगाए थे और इसको हमने क्लाइंट से क्लाइंट ने बोल के इसको जो है पैक करवा दिया है और इस पर एक एसी लग जाएगा 2 टन का, ताकि हमारी बैटरी बैंक्स और सोलर इन्वर्टर्स जो हैं वो कूल और तकरीबन बिलो 30 डिग्री पर ऑपरेशनल हो, जिससे हमारी बैटरी बैंक की भी लाइफ बढ़ेगी और इन्वर्टर्स की भी श्योर। अच्छा, इसमें इस इन्वर्टर्स में हमने 2 अलग अलग टाइप की PVs कनेक्ट की हैं, इन्वर्टर नंबर 1 में और इन्वर्टर नंबर 2 में जो हमने PV कनेक्ट किए वो हमने किए AE सोलर 320 वाट्स, 76 नंबर ऑफ पैनल हमने कनेक्ट किए हैं दोनों में डिवाइड करके, और इन्वर्टर नंबर 3 और इन्वर्टर नंबर 4 में हमने सोलर पैनल कनेक्ट किए हैं लॉन्जी मोनो पर, 56 नंबर ऑफ पैनल हमने कनेक्ट किए हैं। अच्छा, ये इनपुट की कंबाइनर बॉक्स है, वोल्टेज हमारे पास नहीं आ रहे हैं जो आने चाहिए, ये इसकी बस बार है, बस बार पे हमने इसको कंबाइन किया है, इस पर हमने 16 MV केबल यूज की है और टाइम्स का मीटर यूज किया है हमने इस पर EM06। टाइम हमें वोल्ट फेस टू फेस वोल्ट और एम्पियर बता रहा होता है और ये इसके कनेक्शन हैं, इसकी भी मार्किंग की हुई हमने। अच्छा, इस पर लक्स लगाए हैं और लक्स के ऊपर हमने स्लीव लगाई हैं, हीट स्लीव लगाई हैं और
ये हमारे आउटपुट सोलर आउटपुट की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, 228, 227, 230 वॉट्स पर फेज लोड वोल्टेज आ रहे हैं, 2-4 और 2 एम्पीयर का लोड इसमें चल रहा है, फेस टू फेस हर्ट्स 50 हर्ट्स, फेस टू फेस वोल्टेज 395, सेम इसको हमने बजबार के थ्रू कनेक्ट किया है। अच्छा गाइस, हमने जितने भी अपने एसी से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस लगाए हैं वो सब हमने सेपरेटली अर्थ किए हैं। ये हमारा ग्राउंड का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये डीसी ग्राउंड का है, और ये एसी ग्राउंड का बॉक्स है। हर बॉक्स सेपरेटली जो है वो हमने कनेक्ट किया हुआ है ग्राउंड, अपने ग्राउंड की कंबाइनर बॉक्स में। ये इन्वर्टर नंबर 4 का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है एसी का, इन्वर्टर नंबर 3 का है, ये इन्वर्टर नंबर 2 का है, और ये इन्वर्टर नंबर 1 का है। इस पर हमने जो ब्रेकर यूज़ किए हैं वो किए श्नाइडर के IC60N C40 एम्पीयर यूज़ किए हमने इसकी सोलर के इनपुट पे इन्वर्टर की, और इन्वर्टर की आउटपुट पे हमने यूज़ किए हैं सेम IC60N C टाइप में 32 एम्पीयर का हमने आउटपुट पे यूज़ किया है। हमने कोई भी केबल बिना किस लक्स के हमने कनेक्ट नहीं की, जहाँ पर आयलस की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने आयलस यूज़ किए हैं, जहाँ पे ओलस की ज़रूरत थी वहाँ पे हमने ओलस यूज़ किए हैं। ये इनकी सीटीज़ हैं तीनों फेज के अलग अलग, और ये भी हमने ग्राउंड किया हुआ है सेपरेटली। ये हमारे सेकेंड इन्वर्टर की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, सेम 40 एम्पीयर्स का इनपुट पे ब्रेकर लगाया है, और 32 एम्पीयर्स का हमने आउटपुट पे ब्रेकर लगाया है, 3 सीटी यूज़ किए हैं, और ये हमारे AM06 सेंसर मीटर केबल हमने इसमें आउटपुट पे जो केबल यूज़ कर रहे हैं हम लोग इन्वर्टर से लेकर ब्रेकर तक वो 6 mm यूज़ कर रहे हैं सिंगल कोर में आउटपुट पे, और इनपुट पे हम जो केबल यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं 16 mm सिंगल कोर। ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इन्वर्टर नंबर 3 का, इसमें बग भी हमने रख दी है भी एक साथ में रख दिए कि जब कनेक्शन करना हो इसको चेक करना हो लैपटॉप वगैरह लगा क्लाइंट को या हम लोगों को तो हम इसमें चेक कर सकें। ये इन्वर्टर नंबर 4 का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है एसी का, ये नीचे जो है वो डीसी की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस है और कंबाइनर बॉक्स है। इन्वर्टर नंबर 1 का डीसी का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इस पर हमने ब्रेकर लगाया है श्नाइडर का EZC 250N 250 एम्पीयर का हमने एसी डीसी ब्रेकर यूज़ किया है बैटरी बैंक के ऊपर, और पीवी के ऊपर हमने IC60N 663 एम्पीयर का 1000 वोल्ट डीसी ब्रेकर यूज़ किया है हमने पीवी इनपुट पर, पीवी पर हमने 6 mm की केबल यूज़ की है। इन्वर्टर नंबर 2 की हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, सेम 250 एम्पीयर का डीसी पर ब्रेकर पर हमने यूज़ किया है, ब्रेकर यूज़ किया हमने बैटरी बैंक के ऊपर, और 63 एम्पीयर का हमने यूज़ किया है पीवी पर। ये ज़्यादा एम्पीयर का यूज़ करने का मकसद ये है कि हम चाह रहे हैं इसको एज ए ऑन ऑफ स्विच यूज़ करना, ना कि हमें ट्रिपिंग चाहिए, इसलिए हमने ज़्यादा एम्पीयर का ब्रेकर लगाया है पीवी पर। ये इन्वर्टर नंबर 3 का डीबी है, अच्छा ये भी हर डीबी जो है सेपरेटली डीसी अर्थ से ग्राउंड है। ये इन्वर्टर नंबर 4 का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, अच्छा डक पट्टी जो
जो हमने यूज़ की है इसमें वो 4 इंची की 100x100 की डकपट्टी यूज़ की है हमने, जिसमें से हमारी केबल्स गुजर रही हैं। अच्छा, सेंटर में हमारा डीसी बस बार का मैंने बॉक्स है। अच्छा, इस बस बार पर हमारा 2700 एम्पीयर आवर का बैटरी बैंक कनेक्ट है। ये 35 mm की केबल ये हमने इस्तेमाल की है इन्वर्टर पर, पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, और ये हमारे बैटरी बैंक के सेपरेटली कनेक्शन उतर रहे हैं। ये हमने ऊपर और नीचे डबल केबल यूज़ किए हैं हर बोर्ड पे। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंबाइनर बॉक्स की जो बस बार है ये हमने डिज़ाइन करवाई है बेस्ट इलेक्ट्रिक हैदराबाद से, हमारे अवेश पैसन साहब होते हैं वहाँ पे हमसे। और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस भी हमने वहीं से अरेंज किए हैं। अच्छा, बैटरी बैंक हमारा हॉप की बैटरीज है हमारे पास 225 एम्पीयर आवर की बैटरीज है, 48 नंबर्स ऑफ बैटरीज हैं, 4 बैटरीज नीचे, 4 बैटरीज सेंटर में और 4 बैटरीज ऊपर। इसी तरह 12 का सेट यहाँ पर है। बारह बैटरी हमारी इस तरफ लगी हुई। अच्छा, हमने जो इसका फ्रेम बनाया है बैटरी बैंक का, उसको भी हमने डीसी अर्थ से शुरू करके ग्राउंड किया है। हर फ्रेम को हमने सेपरेटली ग्राउंड किया है, हर फ्रेम हमारा सेपरेटली ग्राउंड है। 2 फ्रेम इस तरफ हैं, यानी 24 नंबर्स ऑफ बैटरीज इस तरफ हैं और हमारी 24 नंबर्स ऑफ बैटरीज इस तरफ हैं। ये भी सारे फ्रेम हमने ग्राउंड किए डीसी के ग्राउंड से हर से। 12 बैटरीज इस तरफ और 12 बैटरीज इस तरफ। अच्छा, इन्वर्टर हमने यूज़ किए हैं सनटोनिक्स ST10 के 10 kW। और ये इसके कनेक्शन हैं, ये AC आउटपुट का कनेक्शन है, उसकी बैक साइड पे AC इनपुट का कनेक्शन है, बैक साइड पे हमारे PV के कनेक्शन हैं और ये बैटरी बैंक की कनेक्शन हैं। ये वाईफाई स्टिक है जो ऑपरेशनल है, ये पैरेलल कम्युनिकेशन किट के फोन केबल और ये साथ में फोन केबल और उसके पीछे हमारा ऑन ऑफ स्विच है PV का। इस तरह सारे इन्वर्टर जो है वो कनेक्टेड हैं। हमारे पर ये जो यूनिट है वो तकरीबन 9 दिन से ऑपरेशनल है और ये इस पर जो लोड है वो हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो ऑफिस का लोड था हमारे पास 36 एम्पीयर आवर का लोड था हमारे ऑफिस का, जिसमें 4 AC थे डेटन के और 1 AC था डेटन का, साथ में घर है इनका क्लाइंट का हमारे, उनके घर का लोड था 40 एम्पीयर का। इसमें 4 AC हैं डेटन के और ट्रैक मशीन वगैरह है। उसके बाद क्लाइंट का क्रिटिकल लोड था जो उसको एनी हाउ बैटरी बैंक पर या सोलर पे चलाना था, वो 54 एम्पीयर आवर का है और उनके जो क्लाइंट का वेयरहाउस है उसका लोड था तकरीबन 29 एम्पीयर। लोड तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था यहीं पर ही, पहले लोड डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, उसके बाद हमने इसको इंस्टॉल किया था। रेड पर हमने 53 एम्पीयर दिए थे, येलो पर भी 53 एम्पीयर का लोड डालता है, ब्लू पर भी 53 एम्पीयर का लोड डालता है।
जो हमने मार्किंग की थी ब्रेकर्स पे, वो हमने की थी ऑफिस के लिए लोड के लिए, ये हमने मार्किंग की थी O1 O2 O3 O4 O5 ब्रेकर्स पे मार्किंग हुई हुई है हमारे पास। इस तरह होम लोड के ऊपर H1 H2 H3 H5 4-5 तक मार्किंग है। इस तरह डेटे का फोन में C1 और से लेकर C8 तक मार्किंग की है, और वेयर हाउस के लिए W1 और W2 की मार्किंग की है। अच्छा, ये एग्जैक्टली जो हमने लोड डिस्ट्रीब्यूट किया था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। सबसे ऊपर हमने लगाए चेंज ओवर लगाया, सॉरी सिलेक्टर लगाया हमने, फेस सिलेक्टर इलेक्ट्रिक के लिए। अगर क्लाइंट यूज़ करना चाहे किसी भी फेस का लोड वो यूज़ कर सकता है। और नीचे हमने सोलर और इलेक्ट्रिक के लिए चेंज ओवर लगाए 102 100 एम्पीयर के। इलेक्ट्रिक हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमने ब्रेकर गिराया हुआ है यहाँ पे, सिर्फ सोलर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सोलर की लाइट चल रही है। एज आई सेड बिफोर के हमने जो मार्किंग की हुई है ब्रेकर्स पे SOC NW। अच्छा, मेन पर हमने 63 एम्पीयर के ब्रेकर यूज़ किए हैं, IC60N स्टैंडर्ड के 63 एम्पीयर, जो हमने सेपरेटली डिवाइड किया है चेंज ओवर के थ्रू। सोने पे हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी सेपरेट है, चेंज ओवर के थ्रू जो आएगा वही न्यूट्रल आगे कॉमन हो रहा है। नीचे हमारी आर सी बल्ब वाली पट्टी का कॉमन है। अच्छा, उसके बाद हमारा 102 चेंज ओवर लगा हुआ है सोलर और जनरेटर के लिए, जिसकी आउटपुट हमने दी है सेकंड चेंज ओवर को 200 एम्पीयर का चेंज ओवर है, जिसमें एक तरफ वाटा है और दूसरी तरफ पहले चेंज ओवर की आउटपुट है। अच्छा, इसके ऊपर है हमारी मेन एसी की इनपुट की बॉक्स है, जिसमें हमारी जो ग्रिड से आया हुआ कनेक्शन है वो हमारे ब्रेकर में लगा हुआ है। ब्रेकर हमने इसके यूज़ किया है 100 एम्पीयर का। हमारा मेन का एसी पैनल है, मेन एसी पैनल की इनपुट बॉक्स है, इनपुट डीबी है। इसमें हमने SPTs लगाए हैं, SPT को ग्राउंड किया है और 100 एम्पीयर का ब्रेकर यूज़ किया है। इसमें हमने SPTs के कनेक्शन के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और ये हमारी सोलर आउटपुट की डीबी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स हम्बल अहमद हियर अगेन। वेल गाइस, ये हम लोग आज लाइटिंग इसे इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी प्रीवियसली इंस्टॉल साइट पर। ये साइट हमने हैंडओवर की थी लास्ट मंडे को क्लाइंट को, और इसमें अभी तक जनरेशन आ चुकी है अराउंड 1.4 मेगावाट आवर की। 9 दिन हो गए आज साइट को चलते हुए, हमारी जनरेशन ज़बरदस्त जा रही है। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त तो नहीं है, लेकिन ये कि एवरेज जनरेशन आ रही है इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर अभी क्लाइंट ने बहुत ज़्यादा लोड नहीं डाला हुआ। इस पर 48 किलोवाट्स के हमने सोलर पैनल लगाए थे और 40 किलोवाट्स के इन्वर्टर इंस्टॉल किए हैं इस पर हमने। इस पर 2 टाइप्स के पैनल यूज़ किए थे हमने, एक पोली क्रिस्टलाइन और दूसरा मोनो पोर्क लॉन्जी 435 वाट्स। अच्छा, जो पोली क्रिस्टलाइन हमने पैनल लगाए वो लगाए हमने AE सोलर जैपनीज पैनल लगाए हमने, और लॉन्जी लगाए 435 वाट्स मोनो पोर्क। अच्छा, 56 नंबर ऑफ सोलर पैनल्स हमने लगाए हैं, 2 इन्वर्टर्स में डिवाइड किए हैं, और बाकी दो इन्वर्टर्स में हमने 76 नंबर ऑफ पैनल लगाए हैं 325 वाट्स AC सोलर। अभी हम लाइटिंग इंस्टॉल कर रहे हैं। लाइटिंग स्ट्रिक की जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बस बार है वो सामने हमने वॉल पे लगाई हुई है, आवाज़ें बंद हुई है। इस पर
हम केबल यूज़ कर रहे हैं, केबल यूज़ कर रहे हैं 16 mm टू कोर में। लाइटनिंग रेसिस्टर पर 2 कोर इसी रेसिस्टर पे आएगा, रेसिस्टर पे आएगा, और 2 कोर जो है वो हमारे सेकेंड रेसिस्टर पे आएगा। ये हम साइट हमने इंस्टॉल की है लांडी में, कैटल कॉलोनी कराची में। इस साइट पे तकरीबन हमें कोई 15 से 16 दिन लगे ओवरऑल कमिशनिंग में। और ये आयरन स्ट्रक्चर इंक्लूड नहीं है उन डीज में, आयरन स्ट्रक्चर को बनने में कम से कम 1 हफ्ता लग गया था। ये कंप्लीट एयर गार्डर पे बनाया है स्ट्रक्चर। ये प्लेटफॉर्म बनाया है सफाई के लिए। पता नहीं आया अभी तक यार, पता नहीं आया अभी तक। कहाँ दूर है समोसे वाला? समोसे वाला दूर है पापा। ये पठान तुम जल्दी नहीं मरेगा, पठान तुम जल्दी नहीं मरेगा। हमने अभी अभी तुम्हारा नाम निकल लिया और तुम आगे उधर हो गए। पठान भाई वीडियो बननी है, वीडियो बनवा लो। वेल गाइज, जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे न्यू अपलोड की हुई वीडियोस के वीडियोस उनको नोटिफिकेशन बारे में मिलती रहे। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग।